हैं। ठाकुर जी के आने का जो कारण देवी, कई सारे कारण हैं, एक दो नहीं है, अनेक हैं, पर उसमें से जो मुख्य कुछ कारण हैं, मैं उनकी चर्चा आपसे करूंगा। आज के भी इस समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान को मानने का मतलब जो ये कहते हैं कि संसार में भगवान जैसा कुछ नहीं है, भगवान दिखाई नहीं देता तो भगवान है कहाँ, कई लोग कहते हैं। पर एक बात बताइए, दिखती तो हवा भी नहीं है, तो क्या हवा नहीं है? हवा दिखती है क्या? आपको महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार एक बार एक नाई की दुकान में कुछ लोग बैठे हुए थे और नाई कहने लगा, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अरे भगवान होते तो संसार में इतना दुख होता क्या, इतनी तकलीफ होती क्या, अरे हमारे ही घर में कितनी गरीबी है, भगवान नहीं है इस संसार में। एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो नंबर लगा के बैठा हुआ था, वो दुकान में बैठा था और संयोग से उस नाई की दुकान के सामने से एक व्यक्ति गुजरा जिसकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ियां थी, बड़े बड़े से बाल थे। तो दुकान में बैठे हुए उस शख्स ने कहा कि नाई भैया एक बात कहो, इस संसार में नाई वाई कुछ नहीं होते, नाई वाई कोई नहीं होता। उसने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम कहते हो नाई नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं होता? अरे भैया नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, मैं तो खड़ा हूँ सामने। उस व्यक्ति ने कहा, यदि नाई होते तो एक बात बता, वो जो सामने आदमी जा रहा है उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और बाल थोड़ी ना होते, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बाल उसके हो रखे हैं, तो इसका मतलब नाई नहीं होते। नाई ने कहा, अरे भैया जब तक वो मेरी दुकान में चलकर आएगा नहीं, तब तक मैं उसके दाढ़ी बाल कैसे ठीक करूंगा? जब वो मेरे पास आएगा तभी ना मैं उसकी वो समस्या दूर करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, बस तुमको भी मैं यही समझाना चाहता हूँ, इस संसार में भगवान हर कण कण में छिपा हुआ है, लेकिन जीवन की सारी व्यथा तब दूर होगी जब आप और हम उस तक चलकर जाएंगे। हम जाएं ही ना, घर पे बैठे रहें। अच्छा इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आप में से कोई नरक जाने की इच्छा रखता है क्या? कोई नरक जाना चाहेगा? सब ऐसे ना 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 नरक ना नरक नहीं जाना है, इसका मतलब कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, सबको जाना है। सही बात है, हमें भी जाना है, सबको स्वर्ग जाना है। कैसे जाएंगे? ना बाइक जाएगी, ना कार जाएगी, ना साइकिल जाएगी, ना मोटरसाइकिल जाएगी, ना पैदल जा पाएंगे, कैसे जाएंगे? किसी संत ने कहा कि समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का, और लोग इच्छा रखते हैं श्मशान से स्वर्ग तक जाने का। घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी शायद किसी से कहा हो, भैया कथा सुनने चलोगे क्या? पूछा होगा आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। अभी तो 7 दिन पड़े, चलेंगे किसी दिन, और किसी दिन चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, आज क्यों नहीं चलेंगे? आज थोड़ा काम है, आज फुर्सत नहीं है, फुर्सत में चलेंगे। और ये इतनी फुर्सत हम निकालते हैं कि एक दिन फुर्सत हो जाते हैं, पर ये फुर्सत नहीं निकलती है कि यहाँ आ जाए। भैया जब तक आप, इस संसार का नियम है, यदि आप किसी को अपना वक्त दोगे तो समय आने पर वो भी आपको अपना वक्त देगा। आप किसी को प्रेम दोगे तो सामने से आपको प्रेम मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दोगे, सामने से आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को यदि अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, तो सामने से आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जो देंगे वही हम प्राप्त करेंगे, ये इस संसार का नियम है, यह रूल है इस संसार का। तो भैया इस चीज को समझा जाए, ध्यान दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान भोलेनाथ ने कई सारे कारण बताए और कारण में भी वर्णन करना शुरू किया देवी। अनेक कारणों में से मैं मुख्य 5 कारण की चर्चा आपसे करता हूँ। 5 कारण हैं ठाकुर जी के इस धरती पर आने के। माताएं, जैसे आप घर पे यदि आप हलवा बनाए,
मान लीजिए आपने सूजी का हलवा बनाया, सूजी का हलवा आपने बनाया, उसमें आपने सूजी डाली, चीनी डाली, जो भी आपको मंदा ड्राई फ्रूट्स डाले, काजू बादाम किशमिश आप सब डालो। आप जब हलवा कटोरी में लेके आएंगी तो उसमें आपको दिखाई क्या क्या देगा जरा मुझे ये बताइए। सूजी दिखाई देगी, हाँ या ना, जोर से बोलिए। अरे आगे वाले चीख देते हैं, पीछे वाले तो कुछ बोलते ही नहीं। सूजी दिखाई देगी, जो आप ऊपर से काजू बादाम डालेंगे वो दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, चीनी दिखाई देगी क्या? अब मैं यदि आपसे कहूं कि चीनी तो दिखाई दे ही नहीं रही है, इसका मतलब चीनी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना 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 ना, इसमें चीनी है। आप जब इसको खा कर देखेंगे ना, इसका स्वाद लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें चीनी। मैं भी आपसे वही बात कह रही हूँ, जिस प्रकार से चीनी उस पूरे हलवे के कण कण में घुल जाती है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी हर कण कण में विराजमान है। वो मिलता कब है? जब हम उनसे जुड़ते हैं, जब उसका प्रेम का रस हम पाते हैं, तब हमें उसकी अनुभूति होती है। कण कण में ढूंढा तुझको पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में होके बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ कहाँ। जब उसका पता मिल जाता है ना, तो फिर इनका पता नहीं रहता है कि ये कौन है क्या है। जिसको उसका पता मिल जाता है, फिर उसको संसार के किसी पते की जरूरत नहीं होती है। भैया भोले बाबा ने पांच कारण बताने शुरू किए। पहला कारण है देवी, ध्यान से सुनिएगा। राम जन्म के हे कारण है। और इतने विचित्र हैं कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपको पुनः भ्रम हो जाए। इसीलिए देवी सावधान सुनो सुमति भवानी। कथा के दौरान क्यों बार बार कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, शांति पूर्वक बैठिए, क्योंकि एक शब्द भी यदि इधर से उधर हुआ तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है दिमाग में कि ये हुआ तो ऐसा कैसे हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पहला कारण सुनो देवी। भगवान के अवतार का प्रथम कारण बने हैं जय और विजय।
ये दोनों द्वारपाल थे। कहाँ के? वैकुंठ के द्वारपाल। वैकुंठ से सुंदर जगह संसार में कोई दूसरी होगी क्या जहाँ पर स्वयं भगवान विराजते हैं? वैकुंठ के द्वारपाल हैं, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर रहने के बाद भी अभिमान की रूपी चिड़िया ने इनको जकड़ लिया, जाकर सर पर बैठ गए। अभिमान कहाँ तक पहुंच गया देखिए। कल एक प्रसंग आया था राजा दक्ष का, मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, समय की कमी थी। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि नहीं अस को जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुत्व मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले और उसे पाने के बाद उसे घमंड ना हो, अभिमान ना हो। जीवन में यदि आपको सफलता मिल रही है ना भैया, तो ठाकुर जी का धन्यवाद करिए, सदैव धन्यवाद करिए कि प्रभु ये मैंने नहीं किया है, ये आपकी कृपा से मुझे मिला है, मेरी वजह से ये नहीं है। हम क्या करते हैं, जीवन में दुख आता है तो सब थोक दिया उस पे, भगवान ने दुख दे दिया, और यदि सुख आया तो, सुख आया तो हमने बड़ी मेहनत करी थी भैया, इसीलिए तो ये काम पूरा हुआ, इसीलिए हुआ। जीवन में जिस दिन आप सुख के बेला में हर सफलता में भगवान को श्रेय देना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कि जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। अभिमान, किसी ने कहा कि यदि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और यदि जीवन का मजा लेना है तो मन में अभिमान कम रखो। आप सफर पे निकले, आप हो एक और बैग है पांच, तो आप या तो खुद ही संभाल लोगे या बैग ही संभाल लोगे, दो में से एक ही काम हो सकेगा। मन में जब अभिमान आ जाता है ना, तो अभिमान वैकुंठ के द्वार से भी पटक के लाके नीचे कहाँ फेंकता है, असुरियोनी में। जय और विजय को अभिमान किस बात का हुआ, अरे हम तो वैकुंठ के द्वार पाले। और ये होता है, जैसे यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को इस बात का गुरूर नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाव उनके बड़े होते हैं जो उनके द्वार पे पहरेदार चौकीदार होते हैं ना, उनकी गरिमा उनसे भी ऊपर होती है कि हम गेट खोलते हैं तभी अंदर जाते हैं, हमसे पूछे बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यही हुआ जय और विजय के साथ, यही बात हुई। जय और विजय के मन में अभिमान कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। इसी अभिमान के नशे में चूर होकर जब एक बार सनकादिक मुनि आए भगवान के दर्शन करने, जय और विजय ने दर्शन करने नहीं जाने दिया, रोक दिया द्वार पर। क्यों? अभी ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हो सकती है, बाद में आइएगा। संतों ने कहा जाने दो भैया, नहीं 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 अभी मुलाकात नहीं हो सकती है, बाद में। संतों ने बार बार कहा, जय विजय ने बार बार रोका, अंत में ऋषियों ने शाप दे दिया। भगवान को, भगवान और भक्त के बीच में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ असुर योनि में जाकर जन्म लो। भीतर बैठे भगवान सुन रहे थे, भगवान बाहर आए, भगवान ने संतों से कहा कि अरे इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। संतों ने कहा प्रभु इनको तीन जन्म तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी मुक्ति होगी, और इनके उद्धार के लिए आपको भी धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, तभी इनकी मुक्ति संभव होगी, यही एकमात्र उपाय है। तो यही जय और विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनकी उद्धार के लिए प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार लिया। यही जय विजय त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए श्री राम अवतार हुआ। और यही जब द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल बने, तो प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार लिया। ठाकुर जी भक्तों के प्रेम के वश होकर के ही आते हैं भैया। हृदय में जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे। आप लाख माता पटको, लाख परिक्रमा लगाओ, लाख कुछ करो, जब तक हृदय में भाव नहीं होगा। भाव का मतलब समझ रहे हैं? भाव भी दो होते हैं, एक होता है भाव, जो आप दुकान में जाते हैं ना तो किसी भी चीज की एक कीमत होती है, एक भाव होता है। जब तक वो भाव आप दुकान वाले को नहीं देंगे, आपको सामान मिलने वाला नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से जब हृदय का भाव सरकार के चरणों में समर्पित होता है तभी भगवान मिलते हैं, उसके पहले मिलने वाले नहीं है। भक्ति भाव को भूखा कन्हैया, भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, रह नहीं पायो रे। और मुझे बीच में वजन के ना कहना पड़े तो सब तालियों के साथ गाएंगे मेरे साथ, सबकी तालियां बजनी चाहिए। कन्हैया दौड़ा आयो रे, कन्हैया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे। भक्ति भाव को भूखा कन्हैया, भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, भक्ति लगाई। विष का प्याला या धर लगा के,
सब लोग और एक स्वर में सबको मेरे साथ कहना है। इधर को अच्छा बुलवाना है सो आप चुप रहे ना, केवल इधर वालों को बोलने देना, हम भी देखें कि काका है इधर। बोलिए सियावर रामचंद्र की, थोड़ा है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है दब रखा है, अंदर है वो, धीरे धीरे 9 दिनों में निकले। कन्हैया दौड़ा आयो, सांवरिया दौड़ा, इतनी देर कहाँ सुना। भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, रह नहीं पायो रे सांवरिया दौड़ा। अरे आयो रे तो बोलो थोड़ा जोर से, सांवरिया दौड़ा आयो, कन्हैया मेरा दौड़ा आयो। ऐसे दिल से बुलाएंगे ना तब आज ही राम जन्म हो जाएगा, और यदि ऐसे करके बैठे रहेंगे तो हम काल कराएंगे, आज नहीं कराएंगे। अरे जब कोई वीआईपी आने वाला होता है तो कितनी तैयारियां करते हैं और 100 बार फोन करते हैं, साहब पधारिए पधारिए, तो वो वीवीआईपी से भी ऊपर वाले हैं, उनके आगे जितना भी लगा लो वो कम है, तो उनको ऐसे ही थोड़ी नाम ले आएंगे कि आप ऐसे करके बैठे रहो और हम राम जन्म करा दें। भगवान भोलेनाथ ने दूसरा कारण सुनाना शुरू किया, देवी दूसरा कारण बना जलंधर। जलंधर नाम का जो राक्षस था किसी के हाथों नहीं मारा जा रहा था, कारण उसकी पत्नी वृंदा जो परम सती थी और उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव की वजह से जलंधर नहीं मरता। ठाकुर जी ने जलंधर का वेश बनाया, वृंदा के महल में पहुंचे, वृंदा जैसे ही पूजा छोड़कर उठी उधर जलंधर पर प्रहार हुआ, जलंधर की मृत्यु हो गई। जलंधर का कटा हुआ सर जब वृंदा के समक्ष आकर गिरा, वृंदा ने श्राप दिया ठाकुर जी को कि जैसे आपने छल करके मुझे मेरे पति से दूर किया है, एक दिन मेरा यही पति छल करके आपको आपकी भार्या से दूर कर देगा। भगवान हो करके जड़वत व्यवहार किया है, श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाए। हाहाकार मच गया, देवता आए, मैया लक्ष्मी आई, प्रार्थना की, वृंदा जी ने भगवान को पुनः उनके स्वरूप में वापस लौटाया, लेकिन स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जो राख हुई उसी राख से तुलसी मैया का बिरवा निकला, उन्हीं वृंदा जी के तन की राख से, और तब से ठाकुर जी वही शालिग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं और तुलसी जी के साथ उनका विवाह कराया जाता है। भगवान ने उसी दिन कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी जी का दल नहीं पड़ेगा, एक पत्ता नहीं पड़ेगा, तब तक वो चाहे कितना भी सुंदर भोग हो, मैं उस भोग को स्वीकार करने वाला नहीं। माना कि पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है, इसीलिए सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भी भारी है। तीसरे कारण में चर्चा हुई नारद जी की। नारद श्राप दीन एक बारा
कलप एक ते ही लगी अवतारा नारद श्राद्ध एक बारा कलप एक ते ही लगी अवतारा गिरी जा चकित भई सुने बाने नारद विष्णु भगत पुने चकित भई सुनिवानी नारद विष्णु भगत पुनियानी कारण कवन शाप मुनि दीना काय अपराध रमापति कीना कारण कवन शाप मुनि दीना काय अपराध श्राप दिया। मैया ने कहा बाबा ये कथा पूरी सुनाइए। क्यों श्राप दिया? नारद जी एक बार निकले विचरण करने, एक स्थली पर पहुंचे हिमालय की ओर, समाधिस्थ हो गए। जबकि नारद जी को श्राप की वो एक जगह ज्यादा देर टिक नहीं सकते, फिर भी आज प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी समाधि में बैठ गए। इंद्र देव को लगा कि मेरा इंद्रासन पाना चाहते हैं, इसीलिए इतनी कठिन साधना कर रहे। कामदेव को भेजा जाकर इनकी समाधि भंग करो। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, जब नारद जी ने नेत्र नहीं खोले, कामदेव ने अपनी हार स्वीकार करी और हाथ में फूलों का हार लिया और पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी ने कामदेव के प्रयास से तो आंखें नहीं खोली थी, पर कामदेव की प्रशंसा सुन के आंखें खोल ली। अच्छा, बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है? हमारी आपकी भी कोई तारीफ करे तो तारीफ सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, लगता है ना? अच्छा, तारीफ सुनने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, कैसे लगता है, कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है ना? जब शरीर में ज्यादा मिठाई की मात्रा हो जाती है तो कोई एक बीमारी जन्म ले लेती है। लेती है कि नहीं लेती? डायबिटीज हो जाता है। जिंदगी में जब ज्यादा बड़ाई होने लगे, प्रशंसा होने लगे, तो एक काम शुरू करिए, आपके अंदर अभिमान का डायबिटीज पैदा हो उसके पहले राम राम कहना शुरू करिए। ये राम राम करते रहेंगे ना तो आपके अंदर अभिमान नहीं होने पाएगा, और जहां ये दवा लेनी छोड़ी अभिमान तुरंत जन्म ले लेगा। नारद जी के मन में भी ले लिया। नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि मैं तो भोले बाबा से भी अब एक कदम आगे निकल गया हूं ना। भोले बाबा ने तो कामदेव पर क्रोध किया, जलाकर भस्म कर दिया, पर मुझे देखो ना, मैंने काम पर क्रोध किया, ना गुस्सा किया, कुछ नहीं, मुझ पर तो काम का असर ही नहीं हुआ। भोले बाबा को लगा राम कथा होगी और नारद जी पहुंच के ही काम कथा शुरू कहना शुरू की। भोले बाबा ऐसा ऐसा हुआ। भोले बाबा ने कहा ये जो कथा मुझे सुनाइए ना नारद जी, भगवान को मत सुनाइएगा। भोले बाबा की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अरे अच्छी लगे भी क्यों, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को लगा ये मेरी बड़ाई से थोड़ा ईर्ष्या कर रहे हैं, जिस लिए नारद जी को रोका था वही करने चल पड़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, पूरी कथा गा डाली। भगवान ने सोचा कि नारद जी के अंदर अभिमान का जन्म हो गया है, अभिमान दूर करना होगा। अपनी माया से एक नगरी बनाई विश्व मोहिनी, अपनी माया को वहां की राजकुमारी बनाई, राजा शील निधि को बनाया। नारद जी जब नगरी में पहुंचे, राजा शील निधि ने कहा जरा मेरी बेटी का भाग्य तो देखिए। विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी ऐसे खो गए रूप में, हाथ पकड़ रखा है, पकड़ा है हाथ और देख रहे हैं मुंह। राजा ने कहा महाराज हाथ देखिए, हाथ जरा बताइए क्या लिखा है। हाथ में लिखा था कि जो 14 भुवन का मालिक है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ऐसा पति इसको मिलेगा। और नारद जी ने क्या पढ़कर बताया कि इसका विवाह जिससे होगा वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। नारद जी ने सोचा हमें ही कौन सी कमी है, तो हम में जब कोई कमी नहीं है तो क्यों ना हम इससे विवाह कर ले। बाहर पहुंचे, भगवान को याद किया, ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा नारद जी क्या दें,
नारद जी ने कहा, भगवान विवाह करने की इच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, हमारा रूप लेके क्या करेंगे। नारद जी ने कहा, आन भांति नहीं पावा ओहि, और नहीं मिलेगी वो किसी प्रकार से। अच्छा, ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, वाह नारद जी, ये कैसे संभव है कि रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। मतलब शादी में यदि आप किसी के कपड़े मांगो, जूते मांगो, गाड़ी मांगो, समझ में आते, अब आप ये कहो अपना अपनी शक्ल दे दो, ब्याह करके आके लौटा देंगे, ऐसे हो सकता है क्या। भगवान सोचने लगे, नारद जी को सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, बंदर बनाए कि सुंदर बनाए। सोचा, यदि आज सुंदर बना दिया तो पूरी जिंदगी बंदर की तरह बीतेगी, माया के चक्कर में फंस के, इसीलिए एक दिन के लिए बंदर बना देते, वानर का रूप दिया। अब नारद जी जब सभा में पहुंचे, नारद जी को लग रहा हम भगवान विष्णु की तरह सुंदर दिख रहे, पहली गद्दी पर जाकर बैठे कि कन्या झट से आए और पट से माला डाले, विवाह तुरंत झटपट संपन्न। शिवगढ़ आए हुए थे, नारद जी का रूप देखा, शिवगढ़ आपस में कहने लगे, कितने सुंदर लग रहे, ऐसा तो कोई राजकुमार है ही नहीं, कन्या इन्हीं से विवाह करेगी पक्का। अब नारद जी और आनंद में आ गए कि हम ज्यादा ही सुंदर लग रहे। विश्व मोहिनी आई, नारद जी को देखा, मरकट बदन भयंकर देही, क्रोध हुआ विश्व मोहिनी को, नारद जी को छोड़ा, वो पूरी लाइन छोड़ दी जिसमें नारद जी बैठे थे। और उसी बीच भगवान आए, विश्व मोहिनी ने माला डाली, भगवान दुल्हन को लेकर गए, और नारद जी सोच रहे कि कन्या ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। शिवगणों ने कहा, जरा अपना रूप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कन्या ने माला क्यों नहीं पहनाई। सरोवर में मुख देखा, वानर की आकृति, शिवगणों को श्राप दिया, जाकर राक्षसियोनि में जन्म लोगे, और भगवान की ओर बढ़ चले कि दई हूं श्राप की, मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो जाकर विष्णु को श्राप दूंगा, या अपने प्राण त्याग दूंगा। मार्ग में ही भगवान मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी मैया है, एक तरफ विश्व मोहिनी है। नारद जी का क्रोध और बढ़ गया कि खुद दो विवाह किया, हम एक करने जा रहे थे उसमें भी बाधा डाल दी, श्राप दिया, जो नर का वेश लेकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना होगा। वानर की आकृति बनाई है, करी है किस सहाय तुम्हारी, जिस दुख को आज, जिस विरह को मैं झेल रहा हूँ, वही विरह आपको सहना पड़ेगा। जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया, नारद जी चरणों में गिर गए, भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा, आपका होता तो झूठा हो जाता, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है तो झूठा कैसे होगा देवी। ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में मनु सतरूपा जी की अखंड साधना, जिनको वरदान दिया प्रभु ने, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय हो बो मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा, यह आशीर्वाद दिया मनु जी को। तो उस वरदान की वजह से भगवान का आना हुआ। और आखिरी में प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु को श्राप मिला ब्राह्मणों से, और पूरे कुल के सहित जब रावण कुंभकर्ण के रूप में धरती पर आया, इतना अत्याचार किया, धरती व्याकुल होकर देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा, हम भी उसके दुख से दुखी हैं, पर भगवान कहाँ है, कैसे हल होगा इस समस्या का। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवताओं पहले एक बात तय कर लो कि भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है, वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक, वो हर कण कण में है। भोले बाबा ने कहा, प्रेम से बुलाओ, यहीं पर मिलेंगे। देवताओं ने पुकार लगाई, ठाकुर जी ने आकाशवाणी की, जन डरपहु मुने सत्य सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा, मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा, अब भय मत मानो। देवता ठाकुर जी की वाणी को सुनकर आश्वस्त हुए, और इधर गोस्वामी जी ने कथा का रुख किया अब अवध धाम की तरफ। अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के हृदय में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है,
जब ग्लानी हुई तो सीधा गुरुदेव के पास पहुंचे गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन बताते। आज समय कम है इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगी, राम जन्म की कथा सुननी है। दशरथ जी ने दुख भी बताया, सुख भी बताया, और गुरुदेव ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, एक नहीं चार चार पुत्र रत्न आएंगे, वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे पुत्र रत्न आपको मिलेंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा गुरुदेव, अब आपको कुछ नहीं करना है, धरहु धीर, बस धैर्य धारण करिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टी, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट हुए, खीर का प्रसाद है, खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। तीनों माताओं में यथा योग्य प्रसाद का वितरण हुआ है। समय अब बीत रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। समय सुहावना हो गया, जैसे अभी हो गया है ना, ऐसे ही सुहावना हो गया। पर अब मुझे थोड़ा सा ये भय है कि ज्यादा सुहावना हो ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कथा आगे लेंगे। सुंदर वह सुबेला आई, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं आज नौमी तिथि है, मधुमास का दिन है, नौमी तिथि मधुमास का दिन। दूर दराज की कंदराओं में जो संत हजारों वर्ष से साधना करने बैठे थे ना, आज वो भी साधना छोड़कर अयोध्या में सरयू के तट पर आकर बैठे हैं कि जिसको वहां ध्यान में ढूंढ रहे हैं वो तो खुद यहाँ आने वाला है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आज जब देवताओं ने जाना ठाकुर जी के आने का समय हो गया है, देवताओं ने प्रभु की गर्भ स्तुति की है और गर्भ स्तुति करके प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हो सकते हैं, चौपाई मान लीजिए कठिन होगी, पर राम सिया राम तो कठिन नहीं है ना,
जितने पीछे तक विराजमान है सभी श्रोता तालियों के साथ मेरे साथ साथ कहेंगे ओ मध्य दिवस प्रकाशित हो रहा है। मैया ने देखा, देखते ही देखते मैया के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और मैया ने जैसे देखा दोनों हाथों को जोड़ा और ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। जिनको याद है मेरे साथ स्तुति करेंगे, जिनको नहीं याद है वो तालियों के सहित हाथों को जोड़ करके मेरे ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। मैया स्तुति कर रही है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर शीत में है
देखो बेटा बन के आ गया। मैया ने कहा सरकार चार चार हाथ वाला बेटा, सरकार ऐसे बेटा थोड़ी ना होता, ये अस्त्र शस्त्र लेके आए हो सरकार, बेटा बन के आए हो कि युद्ध में आए हो। सरकार ने कहा मैया मुझे पता थोड़ी ना बेटा कैसे बनते हैं, पहली बार बन रहा हूँ ना, तो आप बताओ कैसे बेटा बनते हैं, सो मैं बन जाऊंगा। मैया ने कहा पहले ये चार चार हाथ जो है ना सरकार, थोड़ा साधारण मुद्रा में आइए, दो भुजाएं अदृश्य, दो भुजा के रूप में आए। मैया अब ठीक है, अब तो बता दो सबको कि बेटा आ गया है, लल्ला हो गया। मैया ने कहा सरकार जो लल्ला जन्म लेके आता है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, वो तो मैया की गोदी में होता है, सरकार छोटे हो जाइए। ठाकुर जी छोटे हो गए, मैया के अंक में आ गए। अब मैया से कह रहे मैया अब बता दो कि लल्ला आ गया। मैया ने कहा सरकार अब आप इतना सब कुछ बतिया ही रहे हो तो आप ही बता दो कि हम आ गए। अरे सरकार जो लल्ला जन्म लेके आता है ना वो मैया से बतियाता नहीं है, वो रोता है और उसके रोने से पता चल जाता है कि लल्ला आ गया है। मैया ने ये तो बताया कि रोना है पर ये नहीं बताया कि कितनी देर रोना है, तो राम जी ने रोदन ठाना, ठान दिया और लगातार रोना शुरू किया। और जैसे ही लल्ला के रोने की आवाज आई, दासियां दौड़ करके पहुंची और मैया कौशल्या के बगल जब लाल जी को देखा, दौड़ के महाराज दशरथ के पास पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं अरे सुनी शिशु रुदन परम प्रिय जन्म सुनिका जन्म दिया है।
दूसरी दासी दौड़ी, महाराज बधाई हो, मैया कैकेयी ने भी एक लल्ला जी को जन्म दिया है। तीसरी दासी दौड़ी, महाराज बारंबार बधाई हो, मैया सुमित्रा ने दो दो लाल जी को जन्म दिया है। दशरथ जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं। दशरथ जी महाराज ने पूरे नगर में घोषणा कराई, घर घर बाजे गाजे बजाए जाए, बंधनवार बांधे जाए, चौके पुराई जाए, आज अयोध्या नगरी को ऐसा भव्य सजा दो कि हर घर अयोध्या का राजमहल लगना चाहिए और कोई आने वाला ये समझ ही ना पाए कि लल्ला किस घर में हुआ है।